हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था आपको कि हम मिसिंग व्यूज स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आज एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको अभी दिख रहा है। ये आज का क्वेश्चन, आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन टोटली सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका मिसिंग का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया है और आपको निकालना है साइड व्यू। और एक एडिशनल चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है जो है सेक्शनल फ्रंट व्यू। आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, सिंपल फ्रंट व्यू नहीं। सेक्शनल मतलब वो ऑब्जेक्ट को आपको कट करना है, उसके बाद इमेजिन करना है कि हाउ टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एंड फॉर शोविंग दिस वी हैव टू यूज ऑलवेज हैचिंग लाइन्स, दैट मीन्स दैट इज अ सेक्शनल व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आप वीडियो पूरा देखिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट काम जो ये रहेगा, जब भी आप कोई मिसिंग व्यू ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें जो व्यू दिया है आपको, जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया है, वो एज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली, वॉट एवर द डायमेंशंस इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हियर इज योर फ्रंट व्यू एंड हियर इज योर टॉप व्यू। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट व्यू और ऑल्सो टॉप व्यू। सो वी विल ऑब्जर्व द dimensions, what are the given dimensions here? So length is directly given here 125, height जो है हम निकालेंगे 40 + 25, it becomes 65। then जो object दिया है वैसे हम निकालेंगे। तो हमें दिया है front view and top view, तो front view से शुरू करते हैं। horizontal 125, 40, then वहाँ से 25 distance लेके semi circle। तो first of all I am going to be draw 125 जो ऑब्जेक्ट दिया है या लेंथ दी है वो ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हियर इज 125, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो दिया है आपको 40, नेक्स्ट यू हैव टू टेक 25 डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर बिकॉज रेडियस जो है वो आपकी 25 फॉर सेमी सर्कल। सो आई एम गोइंग टू बी ड्रॉ सेंटर लाइन। Whatever the dimensions and whatever the object is given, you have to only fulfill that dimensions and draw two views. जो दो views आपको दिए हैं वो आप first of all draw कर लेंगे, बाद में फिर आपका answer यानी missing view जो है वो start हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे center जो है वो मिल गया है। अभी यहाँ पर radius जो दी है वो है 25 radius। देखिए तो 25 radius आप लेंगे chalk में, center पर रखेंगे और सेमी सर्कल निकालेंगे। सो हियर इज 25, आई एम गोइंग टू बी पुट ऑन सेंटर एंड ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल। देन नेक्स्ट जो है वो आपको निकालना है, एक स्मॉलर सर्कल दिया है उसके अंदर डायमीटर 20 का, तो उसके लिए आप रेडियस लेंगे 10 और सेम सेंटर पे रख के दूसरा एक सर्कल निकालेंगे हैविंग रेडियस 10 mm, मीन्स डायमीटर 20 mm। दूसरी ओर से 15 mm ऊपर गया है और सेमी सर्कल जहाँ फिनिश हुआ वहाँ से नीचे आ, तो हम वही करेंगे 15 mm अबाउ द कॉर्नर। यहाँ से आप 15 mm ऊपर लोगे, सेट करना है रोलर आपको पैरेलल लाइंस बेस की लाइन को, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे हॉरिजॉन्टल और ऊपर से जहाँ आपका सेमी सर्कल फिनिश हो रहा है वहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे वर्टिकल। दोनों लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ वी विल गिव द डायमेंशंस व्हाट आर गिवन इन द गिवन प्रॉब्लम। नाउ वी विल ड्रॉ द टॉप व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व टॉप व्यू। दिस गिवन डिस्टेंस इज गिवन 100 mm और यू कैन ट्रांसफर टू प्रोजेक्शन फ्रॉम फ्रंट व्यू एंड विड्थ इज गिवन हियर 50। सो यू विल गेट द बॉक्स हैविंग डायमेंशन 125 by 50। ऐसा ही करता है ना अपना। और आप ये भी कर सकते हो, स्टार्ट करेंगे एक कॉर्नर से, ये वाले दो स्लॉट्स निकाल लेंगे जिसका डायमेंशन हमें कितना हो मिलेगा। ऊपर से देखिए, फ्रंट व्यू में देखिए, ये प्रोजेक्शन लाइन आपका मैच होगा तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा आपका 50, वर्टिकल यहाँ पे दिया है 50। तो आपका ये जो बॉक्स है 50 by 15 के दो बॉक्सेस आपको निकालने और यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर स्लॉट दिया है। तो एक कॉर्नर से शुरू करते हैं हम, उसके लिए हम ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फ्रंट व्यू का फर्स्ट कॉर्नर है उसे ट्रांसफ़र करेंगे। एक्स वाई एक्सिस आपको ड्रॉ करना है लाइक दिस, हियर इज योर एक्स एंड मे बी हियर वाई। देन
ऊपर और नीचे आप इक्वल डिस्टेंस छोड़ना है आपको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे. दिस डिस्टेंस इज 50. हॉरिजॉन्टली 125 है, लेकिन फिलहाल अभी हम फ्री हैंड निकाल रहे हैं. नेक्स्ट आपका डिस्टेंस है फ्रॉम हियर 15 mm बिलो एंड 15 mm अबव. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 लाइक दिस 50. वर्टिकल तो ऑलरेडी आपने 15 लिया है, सो यू हैव टू ओनली जॉइन. और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्रंट व्यू ऑल्सो सिमिलरली फ्रॉम बिलो साइड. देन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर प्रोजेक्शन फ्रॉम फ्रंट व्यू फॉर कंप्लीटिंग टॉप व्यू. देन टेक सेंटर पॉइंट ऑफ 50. ये जो आपका 50 का बॉक्स है उसका मिड पॉइंट यानी 25 के ऊपर आएंगा आपका मिड पॉइंट. वो मिड पॉइंट लेंगे हम एंड ड्रॉ सेंटर लाइन. देन यू हैव टू टेक 25 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर. यहाँ से आपको 25 डिस्टेंस लेना है आपकी लेफ्ट की ओर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली. तो आपके पास दोनों सेंटर्स के जो डिस्टेंस है वो आपको मिल रहा है. ट्रांसफर करेंगे सेंटर लाइन और जो रेडियस है वो दिया आपको 15. ये जो डिस्टेंस दिया है 15 दिया है, मतलब आपका रेडियस रहेगा 7.5. आप 7.5 डिस्टेंस लेंगे चौक में. जो आपको सेंटर मिला है वहाँ पे रख के सेमी सर्कल निकालेंगे 7.5. सो इट वुड बी लाइक दिस. देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 25. दो सेंटर के बीच में का डिस्टेंस है 25. तो आपको जो फर्स्ट सेंटर मिला है वहाँ से आप लेफ्ट की ओर 25 डिस्टेंस लेंगे और दूसरी सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये आपका सेकेंड सेंटर लाइन जो है वो आएगा ऐसे, और वो सेंटर लाइन आपका हॉरिजन सेंटर को जहाँ कट हो रहा है वहाँ पे आप सेम रेडियस लेके दूसरी साइड से सेमी सर्कल निकालेंगे और दोनों कॉर्नर्स ज्वाइन कर देंगे. तो आपको जो टॉप व्यू में ड्रॉ करने के लिए कहा है वैसा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. देन लास्ट वन पोर्शन रिमेनिंग है जो कि है सेमी सर्कल जिसका रेडियस दिया है 25. तो आपको स्क्वेयर में 25 डिस्टेंस लेना है, सेंटर पे रखना है और सेमी सर्कल निकालना है. ये जो है आपका सेमी सर्कल विजिबल रहेगा. तो जो हमने प्रीवियस केस में यहाँ पे बॉक्स निकाला था ये आपका भी हो जाएगा एज अ प्रोजेक्शन लाइन. सो नाउ यू हैव टू मेक इट थिक और डार्क बिकॉज दिस इज योर फाइनल टॉप व्यू. तो यहाँ पे आपको जितना पोर्शन दिया है उतना विजिबल पोर्शन जो है हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफर डॉटेड लाइन. ये सर्कल जो है आपको टॉप व्यू में नहीं दिखेगा तो उसकी डॉटेड लाइन. ये दो सेमी सर्कुलर स्लॉट आपको फ्रंट में नहीं दिखेगी उसकी डॉटेड लाइन. देन ये स्लॉट जो है वो पूरा नहीं है, यहाँ तक आपको विजिबल है, आगे नहीं है तो वहाँ की एक डॉटेड लाइन. तो ये पूरी डॉटेड लाइन्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र कर लेंगे. तो उसके लिए मुझे सेंटर लाइन की ज़रूरत है. तो मैं पहले ट्रांसफ़र कर रही हूँ सेंटर लाइन. देन आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर डॉटेड लाइन फ्रॉम फ्रंट व्यू. सिर्फ आपके जो ये 15 mm के दो प्लेट्स है उसी में ये आपका सर्कल जो है इसकी वजह से उसी में आपकी डॉटेड लाइन्स आएंगी. सिमिलरली आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन विच इज़ नॉट विजिबल इन फ्रंट व्यू. मीनवाइल यू हैव टू ट्रांसफर द सेंटर ऑल्सो. आप डॉटेड लाइन निकाल रहे हैं तो वो डॉटेड लाइन किस चीज़ की है ये समझ में आने के लिए सेंटर शो करना है आपको. सेंटर है मतलब वो सर्कल की डॉटेड है. अगर सेंटर नहीं है तो उसका मीनिंग है कि वहाँ का ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर या सेमी सर्कुलर नहीं है. ठीक. देन ये ग्लास का जो लाइन है वो है कि ये स्लॉट आपको आगे नहीं दिखने वाला तो उसकी डॉटेड लाइन जो है वो दिया है आपको ऑब्जेक्ट में, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया. तो यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है वो कंप्लीट है जैसे आपको ऑब्जेक्ट में दिया था. रिमेनिंग इसके जो डायमेंशंस है वो दे देते हैं. देन वी विल ड्रॉ मिसिंग व्यू. जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रॉ लेफ्ट हैंड साइड व्यू, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में डील कर रहे हैं तो आपका
लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा राइट में, इसीलिए फ्रंट व्यू के राइट की ओर आपका साइड व्यू आने वाला है। तो मैंने ड्रॉ किया है एक्स वाई एक्स वन वाई वन एक्सिस। नाउ आई विल टेक 45 डिग्री एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। हियर इज 45 डिग्री एंगल एंड ट्रांसफर प्रोजेक्शन फ्रॉम फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू टू प्रिपेयर द बॉक्स ऑफ साइड व्यू। जो मिसिंग व्यू हमें निकालना है उसकी बाउंड्री लाइन सेट करने के लिए हम दो प्रोजेक्शन ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम टॉप व्यू और दो प्रोजेक्शन ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम फ्रंट व्यू। सो यू विल गेट द बॉक्स ऑफ साइड व्यू लाइक दिस। सो दिस इज द बाउंड्री लाइन्स फॉर योर मिसिंग व्यू। नाउ आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर सेंटर लाइन। जो हमने टॉफी में ड्रॉ की थी वो सेंटर लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर करेंगे हम, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक दिस आई एम गोइंग टू ड्रॉ सेंटर लाइन ओनली इन ऑब्जेक्ट। आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट यू हैव टू ट्रांसफर एज अ प्रोजेक्शन लाइन। नाउ हियर इज आवर वर्क इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, बिकॉज यहाँ पे आपका एक्चुअल सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पहले समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मिसिंग व्यू सबसे सिंपल टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, बट यू हैव टू ऑब्जर्व फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू केयरफुली। हाउ? इफ यू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर व्हाट, ये देखिए यहाँ पे आपका ये 15 mm का जो स्लॉट है वो आपको यहाँ पे एक प्लेट दिख रही। सो यू हैव टू ट्रांसफर टू प्रोजेक्शन फ्रॉम हियर एंड टू प्रोजेक्शन फ्रॉम हियर। वो दोनों प्रोजेक्शन मैच होने के बाद जो आपको व्यू या जो आपको शेप मिल रहा है वो होगा वो 15 mm प्लेट का मिसिंग व्यू। सो आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर दैट 15 mm डायमेंशन फ्रॉम फ्रंट व्यू। सेकेंड आपका ऑलरेडी ट्रांसफर था, यहाँ से ये दो ट्रांसफर की वाले ऑलरेडी है, तो आपका ये जो साइड व्यू में प्लेट प्रिपेयर हो रहा है वो प्लेट है आपका वो 15 mm के स्लॉट का मिसिंग व्यू। मतलब वो 15 mm का स्लॉट या वो जो प्लेट है जो आपको फ्रंट व्यू में दिख रही है वो साइड व्यू में दिखेगी लाइक दिस। नेक्स्ट आपको और कौन सा पोर्शन दिखेगा ऐसा आपको लगता है, जैसे कि ये दो प्लेट्स, यू हैव टू सी दिस टू प्लेट्स इन टॉप व्यू। अल्टीमेटली यू हैव टू ट्रांसफर दिस टू प्रोजेक्शन इन साइड व्यू। जो प्लेट्स आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रही थी आफ्टर ट्रांसफरिंग प्रोजेक्शन वो प्लेट्स आपको यहाँ पे वर्टिकल दिखेंगी। तो ये प्लेट्स मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओनली ट्रांसफर द प्रोजेक्शन एंड मैच दैट प्रोजेक्शन विद फ्रंट व्यू। यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज़ वेरी मच सिंपल। सो ये प्रोजेक्शन जो मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पे प्लेट आ रही है वो वर्टिकल, सो यू हैव टू बिकम इट थिक बिकॉज वो आपको दिखने वाला है साइड व्यू में। सेम प्रोसेस से आपको नीचे का प्लेट भी ट्रांसफर करना है और यहाँ पे आपको उसका दूसरा प्लेट जो कि दिखेगा वर्टिकल। जस्ट ट्रांसफर द प्रोजेक्शन, आई एम गोइंग टू बी रिपीट सिमिलर थिंग। आपको सिर्फ प्रोजेक्शन पे ध्यान देना है, ये प्लेट के ऊपर ही आएगा दूसरा प्लेट जो आपको नीचे यानी टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल प्लेट्स दिख रहे थे वो आपको साइड व्यू में वर्टिकल प्लेट्स दिखेंगे। आफ्टर दिस ये सेमी सर्कुलर स्लॉट आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा था डॉटेड, तो सिमिलरली वो साइड व्यू में भी आपको विजिबल नहीं होगा। सो यू हैव टू ट्रांसफर दिस प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वर्टिकली। और ये जो स्लॉट है वो सिर्फ आपका ये 15 mm की प्लेट में है, ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आपका 15 mm का स्लॉट ये वाला है, तो उतनी ही प्लेट में आपको उसकी डॉटेड लाइन्स निकालनी है। तो यहाँ से मैं वर्टिकल ट्रांसफर करूँगी और जितना वो आपका फर्स्ट प्लेट है उतने ही पोर्शन में आप वो डॉटेड लाइंस निकालेंगे, तो आपकी फाइनल डॉटेड लाइंस जो है वो आएंगी समहाउ लाइक दिस। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट ओनली। यहाँ पे सिर्फ इतने स्लॉट में डॉटेड लाइंस है तो उसी का रेफरेंस लेना है और साइड व्यू में भी उतने ही प्लेट में आपका डॉटेड लाइन आएगा। नेक्स्ट आपको अभी ड्रॉ करना है ये सर्कल। ये सर्कल आपको टॉप व्यू में ये दो प्लेट्स में ही दिख रहा था यानी डॉटेड था, तो सिमिलरली वो प्लेट आपके साइड व्यू में यहाँ पे है, तो वो सर्कल की डॉटेड लाइन सिर्फ आपकी ये प्लेट में आएंगी, वो सर्कल आपको साइड व्यू में भी नहीं दिखने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर द सेंटर लाइन, बिकॉज जो डॉटेड लाइन हम निकालेंगे वो सेंटर की होंगी सर्कल की होंगी, तो उसके लिए सेंटर की ज़रूरत है हमें। तो आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर लाइक दिस
और यू कैन ट्रांसफर डायरेक्टली ऑल्सो, जस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड ट्रांसफर द प्रोजेक्शन लाइन. वो सर्कल आपको विजिबल नहीं है साइड व्यू में, इसकी वजह से हम वो डॉटेड लाइंस प्रिपेयर कर लें. सो हियर इज योर प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी फिनिश्ड फॉर द मिसिंग व्यू. बट इन सेम क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था हमें, सेक्शनल फ्रंट व्यू. तो हमें सेक्शन लेना है टॉप व्यू में, तो सेक्शन आपका टॉप व्यू में यहाँ पे आएगा. फुल सेक्शन है, सेक्शन लाइन जो आपकी एट एंड थिक रहती है. एरो हेड्स बनाएंगे हम और लिखेंगे ए ए, तो ये होगा आपका सेक्शन. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को पूरा कट कर रही हूँ तो 50% ऑब्जेक्ट कट हो रहा है. तो कट होने के बाद जो पोर्शन आपको विजिबल होगा उसमें आपकी आएंगी हैचिंग लाइन, तो उसे कहेंगे हम सेक्शन. तो कट होने के बाद ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ से इतना कट हो रहा है, ये तो हॉलो पोर्शन है सर्कल, यहाँ पे हैचिंग लाइंस नहीं आएंगी. और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन आपका कट ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेंटर से कट किया है. तो आपकी हैचिंग लाइन सिर्फ ये 15 mm की प्लेट में आएंगी. हैचिंग लाइन ये डॉटेड लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो इसका नेचर जो है वो बन जाएगा डार्क या विजिबल, बिकॉज हैचिंग लाइन शो करता है ऑब्जेक्ट कट किया है करके, और डॉटेड लाइन शो करती है कि ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है. तो दोनों जब एक साथ आते हैं तो नेचर ऑफ डॉटेड लाइन जो है चेंज हो जाता है, वो हो जाता है डार्क. उसके बाद आपको एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प लेके 45° एंगल लेना है और हैचिंग लाइन प्रिपेयर करनी है ये वाले स्लॉट में. सो लाइक दिस आई एम गोइंग टू बी पुट माई एंगल प्रोटेक्टर हियर एंड टेक 45° एंगल फ्रॉम एनी वन कॉर्नर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल यू हैव टू कम्प्लीट योर हैचिंग लाइन्स लाइक दिस. डिस्टेंस जो है दो हैचिंग लाइन के बीच में का 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लाइन का नेचर चाहिए मीडियम थी. सो इन दिस वे यू हैव टू कम्प्लीट योर हैचिंग लाइन्स. सो दिस इज द फाइनल व्यू ऑफ टूडेज क्वेश्चन. ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए, ड्राइंग को आसान बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग वे से ड्राइंग समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.